हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश कुमार, योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में मैंने कुछ बताया था, उससे पहले मैं बता देता हूँ आप को कि जो चैनल ये पहले दूसरे नाम से था, अब इसका नाम हो गया है इंग्लिश एजुकेटर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश की हर पॉइंट, हर तरीके की वीडियो आपको मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो जो भी आपका तैयारी करना है, आपको SSC, HSSC, CET, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल, जिसके अंदर 20 से 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है, और NDS, CDSS, CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या CBSE, HBSE बोर्ड क्लासेस में जो भी ग्रामर होती है आपकी, उस ग्रामर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको इस चैनल पे एक ही जगह पे इंग्लिश का सारा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास आज का। जैसे कि पिछले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन के बारे में मैंने बताया था कि आपको समझना क्या है। कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना दो चीज़ों में। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि तुलना हम हमेशा दो सेम चीज़ों में, सेम कैटेगरी वाली चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सेल फोन इस मार्कर से अच्छा लिखता है। भाई सेल फोन लिख नहीं सकता, राइटिंग का काम नहीं कर सकता, और ये मार्कर आपका राइटिंग का काम करता है। तो क्या मैं राइटिंग बेस पे इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। कंपेरिजन ये हो सकता है इन दोनों के बीच में कि ये ज़्यादा कॉस्टली है, सेल फोन इज ए कॉस्टलियर देन ए डैट वन, इस चीज से ज्यादा कॉस्टली है, मतलब ये कम रुपए का आता है तो ये ज्यादा रुपए का आता है। तो आप इनकी प्राइस वैल्यू पे, इनकी कॉस्ट पे आप इनका कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन हमेशा एक क्वालिटी के बेस पे होती है। पीछे वाले वीडियो में मैंने नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए थे। मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो ध्यान से समझना, कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं, कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बेसिक कंपैरिजन के लिए एक कंपैरेटिव कंजक्शन का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? कंपैरेटिव कंजक्शन का यूज, और वो होता है आपका देन। क्या होता है देन? TH AN देन, मतलब बेसिकली जब भी हम कंपेयर करते हैं तो आपका एक कंजक्शन यूज होता है। कंजक्शन यूज होता है, कौन सा कंजक्शन यूज होता है? कंपेरेटिव कंजक्शन देन यूज होता है। देन की हेल्प से हम कंपैरिजन करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ही इज स्मार्टर देन, ही इज स्मार्टर देन, यहां पर आपको बताना था आई आना है या फिर मी आना है। अब आई तो आपका सब्जेक्टिव केस है, कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस, और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे और भी बहुत सारे आपके नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिनके केसेस होते हैं, जैसे आई का मी होता है ना, ऐसे ही वी का क्या होता है? वी का अस होता है जी, ऑब्जेक्टिव केस। यू का यू होता है, ही का हिम होता है, ऐसे ही ना सी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट। दे का क्या होता है? डैम। और राम का कोई भी नाउन है, उनका सेम रहता है, राम का नाम राम ही रहेगा। ये आपके केसेस हैं, ये आपके क्या हैं? केसेस हैं। भाई जो आपका कल मैंने आपको पॉइंट बताया था लास्ट वीडियो में, उसके अंदर क्या था कि ही इज स्मार्टर देन आई एम। देखो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आप कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ध्यान से समझना, स्मार्टर देन से हमें पता चला कि हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें कंपेयर कर रहे हैं। पहले समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद आपको नोट करना है, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहले आपको समझ लेना है इस बात को कि स्मार्टर देन मतलब देन और उससे पहले कंपेयर टू डिग्री। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यूज हो रहा है वो किस चीज का क्वेश्चन यूज हो रहा है? कंपैरिजन का क्वेश्चन यूज हो रहा है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है। अब कंपेयर किया किसको जा रहा है? कंपेयर किया किसको जा रहा है? ही को कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? आई से होगा या मी से होगा, आपको ये डिसाइड करना है। देखो ही अगर सब्जेक्ट है
तो आप सब्जेक्ट को केवल सब्जेक्ट से ही कंपेयर कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर कर पाएंगे। समझ रहे बात है भाई? एक सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट से कंपेयर कर पाएंगे, एक पर्सन को आपको दूसरे पर्सन से ही कंपैरिजन करना है, एक नॉन लिविंग थिंग्स को दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स से ही कंपेयर करना है, मतलब कैटेगरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहां पर ये ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहां से देखोगे आप तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इधर आप देखोगे तो मी आपका क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई, ऑब्जेक्ट से क्या पॉसिबल है ये चीज, ऑब्जेक्ट से ये चीज पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपको किससे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू गेस आ जाएगा। बात ही समझ में? एक क्वेश्चन कल यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने, आज फिर रिविजन के तौर पर आपको बता दिया, ठीक है। इस चीज को हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इस चीज को आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, सपोज करो ही इज ए स्मार्टर देन आई, जो लास्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? कि यहां पर ही के साथ जो वर्ब यूज हुई है, इज यूज हुई है, मतलब जो स्टेटमेंट में टेंस यूज हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, मतलब इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो इज एम आर यूज हुई है, तो आप इसके साथ भी वर्ब यूज कर सकते हैं इज एम आर। तो आपको ना हमेशा पैटर्न सेम रखना पड़ेगा। क्या सेम रखना पड़ेगा? पैटर्न सेम रखना पड़ेगा, मतलब ही इज का कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर हमें यहां से पता चल रहा है किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, आई एम के साथ। तो कंपेयर के जो बॉक्स है ना वो सेम रहने चाहिए, कंपैरिजन के जो बॉक्स है ना वो बिल्कुल आपके सेम रहने चाहिए। जैसे ही इज है आई एम है, ही इज आई एम, ही इज आई एम, क्लियर पॉइंट, ही इज आई एम। और किसके बेस पे किया जा रहा है? स्मार्ट के बेस पे किया जा रहा है। समझ में आई बात? अब इसी भी आप पे है ना, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो क्वेश्चन देखो, आज का जो क्वेश्चन है पहला, पिछली वीडियो में मैंने जो करवाया था वो एक कंसेप्ट आपको क्लियर करके चल रहा हूं मैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, आप लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें कि भाई आपका बेसिक क्लियर करवा के चल रहा हूं। आज की क्लास स्टार्ट आज से कर रहा हूं, अभी से, ठीक है। तो भाई आप ना इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर हो सके ना वो शेयर करो इस चैनल को, और वीडियो देखा करो बार बार, आप है ना कंसेप्ट क्लियर किया करो इन चीज़ों के, ठीक है। अगर घर पे जाके देख सकते हो तो देखा करो इन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि है ना ध्यान रखना है एक बात, इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज को जब तक आप टच में रहोगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज के जब तक आप पढ़ते रहोगे, एक कंसेप्ट को बार बार करते रहोगे ना, तब इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। एक बार करने से आपका बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपको लगातार कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके थे। जनरली आप कई बार मेट्रो में सफर करते हैं, मेट्रो में आप जाते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। वो लाइन कैसे लिखी होती है, वो लाइन आपको समझनी है। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन Who needs it more than you? अब ये जो स्टेटमेंट आपकी मेट्रो में बार बार अनाउंसमेंट होती है मेट्रो के अंदर, तो ये स्टेटमेंट अभी अधूरी है, इस स्टेटमेंट में एरर है। वो एरर क्या है वो आपको देखना है, वो आपको जजमेंट लेके आनी है, कैसे एरर इसके अंदर। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। नीड्स, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है, एन डबल ई डी एस, नीड्स इट। देखो
कृपया करके ये सीट जिस सीट पे आप विराजमान हो ये सीट ऑफर करो टू समवन, किसी को, किसी को किसको, उसको, उसको किसको, जिसको जिसको जरूरत है इसकी सीट की ज्यादा, किससे, तुमसे। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कंपेयर किसके बीच में किया जा रहा है, कंपेयर किसके बीच में हो रहा है, हाँ जी ध्यान से समझना, कंपेयर किसके बीच में हो रहा है, हु के बीच में, हु के बीच में, हु किसके लिए यूज हो रहा है, समवन के लिए, भाई जिसको जरूरत है सीट की ज्यादा तुमसे, तो कंपेयर आप किसको कर रहे हो, यू को और समवन को, मतलब कोई भी पर्सन है, इवन मैन या वुमेन, जिस हु नीडेड इट या योर सीट मोर देन यू, क्लियर पॉइंट। तो आपको यहां से समझना है कि समवन से कंपेयर किया जा रहा है यू को, समवन से कंपेयर किया जा रहा है यू को, और इस भी आप पे आपको ये भी पता है कि यहां पर जो समवन है ना वो किस चीज का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ ही करना पड़ेगा आपको, भाई कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। लेकिन अभी अभी आपने टेबल में क्या देखा था, टेबल में ध्यान देना, टेबल में क्या देखा था कि यू का सब्जेक्टिव केस यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, ये चीज भी तो आपने अभी पढ़ी है, भाई यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी बिल्कुल है यू है, समझ में आ रही बात है। अब हमें कैसे पता चले कि ये यू जो गिवन है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, हमें तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये आपका सब्जेक्टिव केस है जी, ऑब्जेक्टिव केस है नहीं है, क्लियर पॉइंट। अगर मान लो कोई ये कहता है, कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव केस है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस यू होता है जी, और कोई बच्चा ये सोचेगा कि ये आपका सब्जेक्टिव केस है तो वो सब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन रिटर्न में हमें प्रूफ करना होता है कि ये सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है, उसके लिए हमें क्या ट्राई करना है ये बात आपको समझानी मेरे को। भाई एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रूफ करने के लिए, ध्यान से समझना, एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रूफ करने के लिए उसके साथ हम एक वर्ब अटैच करते हैं। आपको ये चीज का तो नॉलेज है, आपको इस चीज का तो पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट के बाद तो कभी वर्ब नहीं आती, ऑब्जेक्ट से पहले आ सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज नहीं होती है, सब्जेक्ट के अंदर ही ऐड होती है वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अगर हम यहां पर किसी तरीके से कोई वर्ब लगा दे, समझ रहे बात है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएगा। तो हम वर्ब कहां से उठाएं, हम वर्ब उठाएंगे इधर से, कहां से, इधर से, और नीड्स आपका, ध्यान से समझना, नीड्स आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस है और जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, डज, क्या होती है, डू या डज, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, या तो होती है डू या फिर होती है डज हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से समझ लो इसको, नीड्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे इस वाली वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है जहां पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो आपको नीड्स मेन वर्ब यहां पे नहीं लगानी है, एक हेल्पिंग वर्ब अटैच कर देनी है, यू डू, क्या कर देना है, यू डू। जो आंसर बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा, यू डू। तो क्वेश्चन जो बनेगा एग्जैक्ट, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू, ये बात समझ में, यू डू, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर पॉइंट, बताओ कोई दिक्कत हो तो। ऐसे ही ना एक सेंटेंस और कर लेते हैं अपन, उस सेंटेंस के बाद मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है नाउन या प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, कि देन के बाद आप कब सब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं, देन के बाद कब आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं, तो इसके भी आप पे जो आपकी एरर आती है वो कंप्लीट हो जानी है। तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, मान लो ही फाउंड या आई found English movies more interesting
देन यू। ध्यान से समझो इसे। आई फाउंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आई फाउंड इंग्लिश मूवीज मोर इंटरेस्टिंग देन यू। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, आई फाउंड इंग्लिश मूवीज मोर इंटरेस्टिंग देन यू। आप ध्यान से समझना इस चीज को, मोर इंटरेस्टिंग ने आपको बता दिया कि जी कंपेयर हो रहा है, मोर इंटरेस्टिंग देन ने आपको बता दिया कि कंपेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है मोर इंटरेस्टिंग देन ने। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कंपैरिजन जो है ना वो कर कहां रहे हो, किसका कर रहे हो। तो आप एक बात देखिए, यहां पर आई क्या आपका सब्जेक्ट है, आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है वर्ब है, और ये इंग्लिश मूवीज आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, और यू आपका या तो सब्जेक्ट है और या फिर मतलब दोनों ही है, हमें नहीं पता अभी फिलहाल क्या है, लेकिन कंपैरिजन हमें क्या ऑब्जेक्ट का कर पाएंगे। इधर देखो, यू एक पर्सन हो गया और ये इंग्लिश मूवीज हैं, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई इंग्लिश मूवीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे बजाय, कि मेरा इंग्लिश मूवी में भी इंटरेस्ट है और मेरा आपके अंदर भी इंटरेस्ट है, लेकिन इंग्लिश मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप में कम है। तो क्या मैं आपसे इंग्लिश मूवीज को कंपेयर कर पाऊंगा, क्या वो सेम कैटेगरी है, आ रही बात समझ में। मैं ये कर सकता था कि इंग्लिश मूवीज और हिंदी मूवीज, हिंदी की मूवी और इंग्लिश मूवीज में मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन एक पर्सन और एक मूवीज में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इलॉजिकल हो जाएगा ये, आ रही बात समझ में। तो कंपेयर हमें करना पड़ेगा यहाँ पे किस चीज का, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर कंपेयर करें तो यू तो आपका सब्जेक्ट टू केस भी है। देखो, अगर यू की जगह पे, मान लो कि यू की जगह पे आई आता या मी आता, तो ये तो कन्फर्म है ना कि आई तो सब्जेक्ट है जी और मी ऑब्जेक्ट है। क्या हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है कि मी को कोई सब्जेक्ट बोल दे या आई को कोई ऑब्जेक्ट बोल दे, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिलहाल तो हमारा पॉइंट है कि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, लेकिन हमें यहां पर कंफर्म करना है कि हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रूफ करने के लिए उसके साथ एक वर्ब लगाई जाएगी। अब वो वर्ब कहां से उठाई जाएगी जी, वर्ब उठाई जाएगी इधर से, और ये वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे फाइंड होता है ना, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आएगा जी, ये सेकेंड फॉर्म क्यों है, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, किस किस के दिमाग में आ रही है बात, जल्दी बताओ किस किस के दिमाग में आ रही है, सेकेंड फॉर्म क्यों है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। ये जो वीडियो देख रहे हैं इनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये बात आएगी कि इसको सेकेंड ही क्यों बोला, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बोला, क्योंकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो बराबर है, सेम है, आ रही कि ना आ रही है दिमाग में। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म से पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी यूज नहीं होगी। हमें कैसे पता चले कि वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो दिखाई देने में बिल्कुल सेम है, वो सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है या थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखो, यहाँ पे फाउंड से पहले का कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है ना, तो बिना हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, बिना हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ये चीज का ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, इस चीज का हमेशा याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। सेकेंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, और क्या ध्यान रखना है आपको, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी यूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, समझ में आई बात, इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना अगर क्लियर है तो आपको ये तो पता चल ही गया कि भाई यू आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, और सेकंड फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, डिड यूज होता है। क्या यूज होता है भाई, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट होता है, और पास्ट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड होता है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें हम डिड का यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं,
डिड का। तो आंसर क्या आएगा जल्दी बोल दो। बिल्कुल सही जवाब है, डिड यहां पे लगा दिया जाएगा, यू डिड आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, मतलब यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर दे और अगले वीडियो में मैं उसका उसी पॉइंट पे डिस्कस कर लूंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन का हम थोड़ा सा बेस बनाते हैं, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा डायमंड इज कॉस्टलियर देन गोल्ड। मैंने एक क्वेश्चन लिखा डायमंड इज कॉस्टलियर देन गोल्ड, मतलब मैं कॉस्ट के ऊपर बात करके चल रहा हूं। आपको यहां पर ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान दे रहे हो आप, कॉस्टलियर देन कंपेयर कर रहा है, लेकिन कंपेयर हो किसके बीच में रहा है, डायमंड का। किसका कंपेयर हो रहा है, डायमंड का। किसके साथ कंपेयर हो रहा है जी, गोल्ड के साथ। तो कंपेयर कर सकते हैं ना, एक बार मतलब एक जगह पे हम गोल्ड रख सकते हैं, दूसरी जगह पे हम डायमंड रख सकते हैं, समझ रहे बात है। तो हम बोल सकते हैं भाई गोल्ड की कोई भी चीज है ना डायमंड की किसी भी चीज से सस्ती है, डायमंड महंगा है जी गोल्ड से। ये एक्चुअल बात है कि नहीं है, ये एक्चुअल बात है। क्लियर पॉइंट, तो इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं तो सही है। लेकिन अब दूसरी बात, मैं अगर ये कहूं कि डायमंड इज हार्डर, हार्डर का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। अरे बात समझ में, या हार्डर की जगह पे कॉस्टलियर लिख सकते हैं आप, कॉस्टलियर। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप, क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हमें इसी क्वेश्चन में करना है। डायमंड इज कॉस्टलियर देन, यहां तक ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, समझना आप। अब पॉइंट ये बनता है कि देन के बाद इधर डायमंड का कंपैरिजन मैंने गोल्ड के साथ किया था ना, एक चीज का कंपेयर दूसरी चीज के साथ किया, अब एक चीज का कंपेयर बहुत सारी चीजों के साथ करूंगा, बहुत सारी चीजों के साथ, 5, 10, 15, 20, 50, 100 चीजों के साथ। क्या कर रहा हूं मैं, देखो, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, सब्सटांसेस इन द वर्ल्ड, अब मैंने यहां पर यह कहा कि देखो डायमंड भी आपका एक सब्सटांस है कि नहीं है, सब्सटांस मतलब पत्थर टाइप, कठोर चीजें। क्लियर पॉइंट, डायमंड आपका सब्सटांसेस है। और अब आपको यहां से ये चीज पॉइंट आउट करनी है, एनी सब्सटांसेस का मतलब क्या है, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में जितने भी सब्सटांसेस हैं, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं। क्लियर पॉइंट, समझ रहे बात, जितने भी, सपोज करो कि टोटल 100 हैं, कितने हैं टोटल है, मान लो कि टोटल कितने हैं 100 हैं। क्लियर पॉइंट, यहां तक देखना है आपको, आगे भूल जाओ आप क्या देख रहे हैं, यहां तक देखो। एनी सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड, क्या आपको चेकआउट करना है, ध्यान दो, किस चीज का चेकआउट करना है आपको, एनी सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड, समझ रहे हैं बात, एनी सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड। क्लियर है पॉइंट, कि भाई कोई भी सब्सटेंस मान लो टोटल 100 है, तो क्या लगता है कि इन 100 के अंदर डायमंड है कि नहीं है, है डायमंड भी। मैंने कहा टोटल हर चीज अगर हम इकट्ठी करेंगे, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हमको मिलते हैं वो इकट्ठे करेंगे, तो डायमंड भी तो सब्सटेंस है, तो उस एक ग्रुप के अंदर डायमंड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आगे मत देखो, आगे नहीं देखना है, या आगे देखने की कोशिश मत करो, केवल इतना आपको चेकआउट करना है, इतना देखना है आपने केवल, ये पॉइंट। आप ये बताओ कि इन 100 के अंदर डायमंड है कि नहीं है, है ना डायमंड। क्लियर पॉइंट, समझ रहे बात। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का अपने आप से कंपेयर किया जा सकता है, उसके सेल्फ से कंपेयर किया जा सकता है, क्या मैं अपने आप से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता हूं,
भाई मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता हूँ क्या? मैं अपने आप से ज्यादा लंबा हो सकता हूँ क्या? कोई भी पर्सन अपने आप से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है? मतलब किसी का खुद से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मुझसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नहीं, मुझे 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 90 आते होंगे, मुझे आपसे ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मुझसे ही ज्यादा। यानी कि कभी भी एक पर्सन का उसके सेल्फ करेक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। राइट बात है कि नहीं? तो डायमंड इसके अंदर है कि नहीं है, ये बात आपने एग्री किया कि नहीं किया? डायमंड भाई इसके अंदर ही है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, डायमंड इसी के अंदर है। लेकिन एक बात बताओ, ये चीज भी तो एग्री की है ना आपने कि डायमंड का कंपैरिजन डायमंड से, लेकिन बाकी 99 चीजों से कर सकते हैं कि नहीं? भाई डायमंड बाकी 99 चीजों से अच्छा है, महंगा है? डायमंड बाकी 99 चीजों से महंगा है, कर सकते हैं ना कंपेयर? क्लियर पॉइंट? लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता डायमंड डायमंड से ही महंगा है, नहीं कह सकते। तो आपको यहां से डायमंड को बाहर निकालना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव डायमंड फ्रॉम दिस ग्रुप। डायमंड को इस ग्रुप से बाहर निकालना ही पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? और वो कैसे निकाला जाएगा बोलो, कैसे निकाला जाएगा भाई? इस पे आप एक पॉइंट अदर लगा देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा? एनी अदर सब्सटेंसेस। एनी अदर मतलब किसको? डायमंड को छोड़ के, डायमंड को छोड़ के कोई भी सब्सटेंस है उसे महंगा है डायमंड। इज दैट क्लियर? पहले हम कंपेयर कर रहे थे एक चीज का दूसरी चीज के साथ, अब मैं एक चीज का कंपेयर उसी जैसी चीजों से कर रहा हूं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और देखो भाई, आप देखो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगा इससे रिलेटेड। मैंने अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल, एनी मेटल्स इन द वर्ल्ड। अब समझना, अब समझियो आप बात। मतलब यहां पर आप पॉइंट आउट करना, क्या पॉइंट आउट करनी है बात? एनी मेटल इन द वर्ल्ड, एनी मेटल मतलब कोई भी, और कोई भी मतलब सारे ही हो गए ना, सब में ही बात कर रहे हैं। सपोज करो यहां पर भी टोटल कितने मेटल्स हैं? 100 मेटल्स हैं। अब 100 मेटल्स के अंदर क्या डायमंड है? डायमंड तो सब्सटेंस होता है, मेटल तो होता ही नहीं। क्या इस ग्रुप में डायमंड है? नहीं है ना, इस ग्रुप में डायमंड है? नहीं है। तो ये ऑलरेडी बाहर है, अलग है, ये अलग है और वो अलग है। तो मैं कह सकता हूं ना डायमंड इन 100 चीजों से महंगा है, इन 100 चीजों में डायमंड तो है ही नहीं। तो हमें क्या यहां पर भी अदर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पर मतलब अदर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर वो ग्रुप का हिस्सा है तो बाहर निकालना पड़ेगा। कंपैरिजन हमेशा दो ग्रुप में होता है, ये अच्छा है। इससे इसमें 50 चीजें हो, लेकिन आप इस चीज को इसमें नहीं रख सकते, एक ग्रुप का यूज नहीं करवा सकते ना, आपको दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे कंपैरिजन। क्लियर पॉइंट? अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पे कमेंट करना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी है, और इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो बहुत जल्द, मतलब रेगुलर क्लासेस रहने वाली हैं इस वीडियो के ऊपर, सॉरी इंग्लिश कंसेप्ट के ऊपर। आपका जो चैनल का नाम है वो इंग्लिश एजुकेटर है, इंग्लिश एजुकेटर है, जो कि सर्च करोगे तो मेरी वीडियो नजर आएंगी आपको। और इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एनडीए सीडीएस वगैरह की तैयारी के लिए, या फिर एचएसएससी एसएससी के, जो भी इंग्लिश की तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।